देखिए, प्रधानमंत्री को नेहरू की आलोचना करने और नेहरू को बदनाम करने के सिवा और कोई वो काम नहीं कर पाते। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, शासन तो दें, चीन पर चुप्पी तोड़े, बेरोजगारी पर चुप्पी तोड़े, महंगाई पर चुप्पी तोड़े। जब भी कोई परेशानी आती है उनको, जब भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो नेहरू जी की आलोचना और बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो ये तो चुनावी भाषण था उनका लोकसभा में और राज्यसभा में, और ये जिस तरीके से व्यक्तिगत बदनाम करते हैं, खड़गे जी का भी बदनाम किया, नेहरू जी का तो छोड़िए, इंदिरा जी का तो छोड़िए, खड़गे जी का भी उन्होंने बदनाम किया। तो ये प्रधानमंत्री पद को शान नहीं देता है। मैंने उसका जवाब तो दिया है, ममता जी बहुत कुछ कहती रहती है। प्रधानमंत्री जो 10 साल अन्याय हुआ है, जो बार बार राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय उठा रहे हैं, किसान अन्याय, महिला अन्याय, युवा अन्याय, श्रमिक अन्याय, हिस्सेदारी अन्याय, यहाँ देखे ना, हम रोरकेला सुंदरगढ़ जिले में है, झारसुगड़ा में है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां नेहरू जी के जमाने में स्थापित किए गए थे, वो सारे के सारे कंपनियां बेचे जा रहे हैं एक या दो दोस्तों के लिए, दोस्तों के फायदेमंद के लिए। तो ये देश बेचने का काम जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उससे ध्यान हटाने के लिए नेहरू जी का नाम लेते हैं, नेहरू जी की आलोचना करते हैं। आगे तो देखिए ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।